तो गाइस यार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। अबे भाई साहब मैं घर के अंदर ही आ गया, चलो छोड़ो यार। अरे यार भैया यार कैसे चल रहा है यार यहाँ का माहौल? माहौल तो भाई देखने से पता चलेगा ना। हाँ तो फिर देख कर आओ ना। हाँ भैया जाओ जाओ देख कर आओ। मैं क्यों देख कर आओ भाई साहब, ज़ॉम्बी आ गए ना, दिमाग खराब हो जाएगा। अरे यार नहीं आने वाले यार ज़ॉम्बी, बता रहा हूँ ना मैं। अबे क्यों नहीं आएंगे भाई? गाइस आप लोग को पता ही होगा भाई, लास्ट वाले एपिसोड में आप लोग को दिखाया था भाई यहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक हो चुके हैं अपने लॉस सैंटोस के अंदर। तो भाई हम लोगों ने बचने के लिए यहाँ पर ये देखो पूरी तरीके से भाई पूरा अपना घर कवर करवा दिया है। और यहाँ पर भाई सिक्योरिटी गार्ड है। भाई तुम्हारी गन कहाँ है? अरे सर चिंता मत करो, गन हमारी जेब में, जैसी ज़ॉम्बी अंदर आए तो हम उन्हें अच्छे से भून देंगे। ओके ठीक है सर, अब चलकर देखते हैं गाइस यार बाहर की तरफ क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो भाई देख ही लेते हैं गाइस क्या ही सीन है। अरे चलो यार देख लेते हैं गाइस, अभी तक अपने घर के पास तो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आया। और क्या चल रहा है भाई साहब? अरे सर बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपने हमें पैसे दिया हम आपको पूरा सेफ रखेंगे। एक सेकंड ट्रक वाले फिर आ गए। अरे भाई साहब ये सेफ्टी के लिए हैं यहाँ पर सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वैसे इतने ट्रक की जरूरत नहीं थी, वैसे इन ट्रकों में है क्या? अरे भाई गेट ही दबा दिया, भाई गेट से तो हट जाओ यार। अरे अरे कैसे हट जाएंगे यार, कैसे हट जाएंगे? अरे भाई एक सेकंड खुल गया गेट। अबे भाई कहाँ चले गए ट्रक? अरे भैया वो देखो पीछे जाके गिर गया। अबे भाई साहब इतनी ज्यादा दूर जाके गिरा है ये। अरे यार आप कहाँ जा रहे हो? अबे मैं तो जा रहा था, तुम लोग क्यों आ रहे हो? अरे मैं आ रही हूँ ना, आपकी प्यारी सी बहन आ रही है। अरे क्यों आ रही है बहन यार? आ रहा हूँ मैं ही आ रहा हूँ। अरे यार चलो ना भैया, चलो चल के देखते हैं। अबे चुपचाप से इधर आ जाओ, फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो। अरे यार क्यों आ गए अभी यहाँ पे? अबे चलो यार यहाँ अंदर चलो यार, ज़ॉम्बी वॉम्बी का वैसे अटैक हो रहा है। गाइस यार मैं एक बड़ी चीज तो भूल ही गया था। अरे क्या चीज? यही कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब करो यार। हाँ गाइस जल्दी से करो। अरे सर एक बात बताओ आपको। हाँ जी बताइए सर बताइए। अरे सर देखो यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक कभी भी हो सकता है, तो आप लोगों ना यहाँ पर खाने का स्टॉक रख लेना चाहिए। अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे आप लोग भी तो कुछ खाने को लाए नहीं हो यार, मैंने आप लोग के लिए खाने का भी नहीं पूछा। अबे अंदर आ जाओ। अरे हुआ क्या है यार? अबे भाई ये हुआ है कि हमें घर के लिए खाना भी तो लेने जाना है गाइस, वापस से मुझे ज़ॉम्बीज के बीच में जाना पड़ेगा। हैं क्या बात कर रहे हो? सही बात करो भाई, मुझे ज़ॉम्बीज के बीच में जाना पड़ेगा। अरे यार फिर कैसे लेकर आओगे खाना? अरे वो तो मैं लेकर आ जाऊंगा गाइस। आप लोग यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हां गाइस जल्दी से करो क्योंकि फ्रेंडी बेच जा रहे मरने के लिए। फालतू बकवास मत कर शिंगचैन। हां ठीक है नहीं करता। लोग ना यहीं पर रहो और ध्यान रखना ठीक है। अरे यार भैया मत जाओ यार, छोड़ो ना। अबे फिर खाना पीना क्या खाओगे गाइस? मुझे यहां से चलना पड़ेगा, आप लोग देख ही सकते हो यहां अपनी सुपर कार रखी हुई है, ये मैंने इमरजेंसी के लिए साइड पर रख रखी है जिससे यार मुझे कहीं जाना पड़े तो गाइस मैं वहां से कैसे निकालूंगा समझ नहीं आता, लेकिन यहां से हम लोग चल सकते हैं। अरे आराम से जाना। अरे हाँ भाई चिंता मत कर गाइस, ज़ॉम्बी से पूरी तरह बचना पड़ेगा। और एक सेकंड भाई आराम से चलना हमें, बाकी देख ही सकते हो क्या जबरदस्त कार है। आप लोगों को पता है इस कार का नाम तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो गाइस चलते हैं। मेरा एक दोस्त है भाई, वो यार मतलब यार खाना यार पूरे मतलब यार अच्छे तरीके से पूरे ट्रक में भर के दे सकता है गाइस मुझे, तो हम लोग चलते हैं फटाफट से उसी के पास। बाकी मुझे रास्ते में ना कॉल कर लेता हूँ गाइस। और ये लोग देखो भाई रास्ते में अभी भी घूम रहे हैं गाइस, इन लोगों को समझ नहीं आता क्या कि भाई यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक हो सकता है कभी भी। और यार मैं ये वाली सुपर कार क्यों लेकर आया मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि गाइस यार अगर ज़ॉम्बीज अगर मेरे अंदर आ गए ना मतलब इस कार के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। अबे भाई साहब घर के अंदर चले जाओ, ज़ॉम्बी अटैक हो रखा है लॉस सैंटोस में। अरे जाना बेवड़े कहेंगे पागल है क्या? अबे भाई ये तो पागल समझ रहे हैं मुझे। चलो छोड़ो गाइस हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और गाइस एक सेकंड, यहाँ पर ये ज़ॉम्बी बनना शुरू भी हो चुके हैं भाई साहब, आप लोग देख सकते हो कल के मौसम की तरह। भाई आज भी मौसम एकदम खराब हो चुका है। और गाइस आप लोग देखो मैप के अंदर, देखो गाइस कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज भरते जा रहे हैं। आप लोगों को मैप तो दिख ही रहा होगा, मैं यहाँ पर ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज से घिरा पड़ा हूँ भाई साहब, इन ज़ॉम्बीज से कैसे बचा जाएगा गाइस? चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं गाइस, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ भाई ये ज़ॉम्बीज भरते जा रहे हैं, मुझे इन्हें मारना पड़ रहा भाई जबरदस्ती। गाइस मैं इन डॉग्स को तो नहीं मारना चाहता, लेकिन गाइस ये सामने आ जा रहे हैं, क्या करूं इन्हें तो उड़ाता हूं चलता हूं गाइस मैं, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है भाई। लॉस सैंटोस में बात हो चुकी है भाई डॉक्टरों से, डॉक्टर्स का कहना यह है कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। और गाइस यार हम लोगों को इनसे बचकर चलना पड़ेगा, अगर इन लोगों ने मुझे गलती से भी काट लिया ना तो गाइस दिक्कत हो सकती है मुझे। इसलिए गाइस हम लोग फटाफट से निकलते हैं भाई अपने दोस्त के पास, जो कि यहां पर यार खाने की डील कर रहा है सबसे इस टाइम पर। और गाइस इस टाइम सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा पैसे कमा भी रहा होगा, क्योंकि गाइस उसने दिमाग लगा रहा है भाई, वो सबको खाना दे रहा है तो गाइस पैसे तो कमाएगा ना वो। तो चलो गाइस फटाफट से पहुंच जाते हैं उसके पास हम लोग। आप लोग यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपका भाई यार एकदम सही सलामत पहुंच जाए अपने दोस्त के पास। एक सेकंड आराम से जाना है भाई, ये क्या कर रहा हूं मैं, अभी गिर जाता गाइस। ओके हम लोग निकलते हैं यार फटाफट से पहुंचते अपने दोस्त के पास। और एक सेकंड गाइस ये सब क्या हो रहा है भाई, मेरी कार में से धुआं निकलने लग गया। नो गाइस ये बहुत गलत चीज हुई है मेरे साथ, क्योंकि गाइस यहां से मेरे दोस्त का घर बहुत ज्यादा दूर है और भाई मेरी कार का इंजन भाई इन लोगों ने ज़ॉम्बीज ने भाई पीछे से आकर बहुत गंदा अटैक किया है।
और गाइस ये मेरी कार यार ये तो ओपन है, एक सेकंड भाई ये सामने की तरफ आ रहा है, इसे मारना पड़ेगा। भाई ये तो कैसे इंसानों की तरफ भाग रहा था। गाइस ये देखो ज़ॉम्बीज चल रहे हैं यहाँ पे यार। गाइस मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके इन सबको मारते मारते मैं आगे की तरफ चलता हूँ। और भाई यहाँ पर तो हाईवे है। गाइस मेरी कार को भी अभी जाना था यार, खत्म हो चुकी है मेरी कार यार पूरी तरीके से। अब क्या करूँ मैं, इसके अंदर बैठ भी नहीं पा रहा। चलो गाइस हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। बस ये ज़ॉम्बीज मेरी तरफ, भाई 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 तू अभी इंसान है यार। एक सेकंड सॉरी भाई, मैं डॉग को नहीं मारना चाहता था, लेकिन गाइस वो ज़ॉम्बी बन रखा है। आप लोग समझोगे यार मेरी हालत क्या हो रखी है। तो गाइस हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपने दोस्त के पास पहुंचना है भाई मुझे कैसे भी करके। ओके आप लोग देख सकते हो फाइनली यार आगे की तरफ थोड़ा रास्ता खाली है। अगर किसी की कार मिल जाएगी ना तो गाइस बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी की कार। एक सेकंड नहीं नहीं भाई 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 सॉरी पप्पी सॉरी यार, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। गाइस अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा ना तो यहाँ पर जो लोग है ना वो इन्हें जरूर मारेंगे, क्योंकि गाइस यार एक टाइम के बाद तो इनका क्योंकि कोई भी इलाज नहीं, हम लोग इन्हें चाहकर भी नहीं बचा सकते हैं। गाइस हमें इन्हें मारना पड़ेगा, वरना सबको काटते रहेंगे गाइस और दिक्कत बढ़ जाएगी, चाहे वो डॉग्स हो या फिर यार ये इंसान हो। आप लोग देख ही सकते हो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट से। मैं एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ से नीचे की तरफ कूद जाता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास पैराशूट भी है। एक सेकंड नहीं गाइस यार कितना गंदा गिरा हूं मैं। चलो फिर भी यार मैं बच चुका हूँ यहाँ से, तो चलो गाइस आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ओ शिट सामने की तरफ भी मुझे काम करना चाहिए, क्यों ना हम लोग यहाँ से शॉर्टकट निकाल लेते हैं अपनी। और भाई ने एक एक करके एक बार में नहीं हो पा रहा है गाइस इस वाली शॉटगन से। मुझे और भी गन लेनी पड़ेगी यार, पता नहीं कहाँ से खरीदूंगा। एक सेकंड मेरे पीछे कोई आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, एक बार मैं देखता हूँ भाई पीछे की तरफ। ओ शिट गाइस डॉग सामने की तरफ से भी मैंने नहीं मारे। ओके गाइस भाई उसने कितनी जोर की काटा मुझे, और गाइस मैं यहाँ पर आकर गिर चुका और मेरे यार उसने काट लिया है। गाइस एक सेकंड अब मैं क्या करूं, इसे मारूं क्या करूं। ओके गाइस मारना तो पड़ेगा ही। एक सेकंड यार मेरे इसने काट लिया है, और गाइस ये लोग मुझे यार काटते जा रहे हैं भाई, इन्हें कुछ भी करके मारना पड़ेगा। ओ शिट और काट लिया भाई इसने मेरे हाथों पे। एक सेकंड और भाई साहब गाइस मुझे कुछ भी करके निकलना पड़ेगा। नहीं ये लोग तो काटते जा रहे हैं गाइस, मुझे बहुत ज्यादा जोर से काट रहे हैं, और एक ने तो मेरे मुंह के ऊपर भी अटैक कर दिया गाइस। अब मुझे लगता है मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कैसे भी करके शिंगचैन के लिए यहाँ पर खाना मुझे करना पड़ेगा, मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा गाइस, शिंगचैन की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि यार उसे अगर मैंने खाना नहीं पहुंचाया तो गाइस वो लोग खाना कहां से खाएंगे यार, और सब लोग मर जाएंगे। गाइस मुझे इन लोगों से बचकर निकलना पड़ेगा। अब मैं इन्हें मारना नहीं चाहता गाइस, अब मैं सीधा यहां से भागना चाहता हूं, सीधा अपने दोस्त के घर पे। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा मेरा दोस्त। दोस्त भाई क्या हाल चाल है तेरे? अरे फ्रैंकलिन क्या हो चुका है तुझे? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरी कार खराब हो गई और कुछ ज़ॉम्बीज़ ने मुझे काट लिया। अरे फिर तो तुझे मेरे को ले जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर लोग मुझे मार देंगे। अरे नहीं तेरा इलाज हो सकता है, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। नहीं भाई मुझे इस ट्रक की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस टाइम पे इसमें खाना है ना फुल। हाँ फ्रैंकलिन फुल खाना है इसके अंदर। हाँ तो प्लीज मुझे चाहिए ये ट्रक, मैं लेकर जा रहा हूँ, पैसे मैं तुझे ट्रांसफर करवा दूंगा माइकल भाई से। अरे फ्रैंकलिन रहने दे भाई, मैं तेरी इलाज करवा दूंगा, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई थैंक यू सो मच, मैं लेकर जाता हूँ जल्दी से, वरना मुझे कुछ भी हो सकता है। अरे ठीक है भाई ठीक है, चलो गाइस यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं यार, जल्द से जल्द निकल लेते हैं और फटाफट से अपने घर की तरफ जाते हैं। और शिंगचैन बिंगचैन हिमावारी को ये ट्रक देकर मैं चुपचाप वहां से निकल लूंगा, क्योंकि गाइस अगर एक बार मैं ज़ॉम्बी बन गया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। गाइस आप लोग बचा सकते हो मुझे अगर आप लोग चाहते हो तो, आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे ना, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो हो सकता है यार ये भी यार जितना भी जहर मेरे अंदर करके गए हैं गाइस मैं ठीक हो सकता हूँ। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो अगर आप लोग कर सकते हो तो। तब तक मैं फटाफट से घर के लिए निकल चुका हूँ गाइस। और ये लोग भाई साहब इतने आसानी से क्यों घूम रहे हैं यार? गाइस यहाँ पर क्लाइमेट अभी अच्छा हो रखा है, क्योंकि मैं दूसरी जगह पर आ चुका हूँ अपने दोस्त के पास जहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ का अटैक नहीं हुआ है। लेकिन गाइस मुझे फटाफट से अपने घर पर जाना होगा यार। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वापस से ज़ॉम्बीज़ स्टार्ट हो चुके हैं, और ये ज़ॉम्बी नहीं लगता है इन मैडम को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या कर सकता हूँ मैं, चलकर देखता हूँ। अरे अरे मैडम आप ठीक तो हो ना? इन्होंने कैमरा ले रखा था इन्होंने। ओ मुझे लगता है वो भाई साहब ये कहाँ से आ गया, इसने मुझे फिर से काट लिया। एक सेकंड में से आउट करता हूँ, मेरा मतलब है मार देता हूँ मैं इसे अच्छे से। ओके मैंने इसे मार दिया, कोई और से तो नहीं आ रहा कहीं से कुत्ता, इसने मुझे डरा दिया। लेकिन मैं फटाफट से अपने यहाँ ट्रक में बैठता हूँ और घर पर चलता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे हैं, और ये मौसम भी कितना
कितना ज्यादा डरावना है। यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज इंसानों को खा रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये इंसान मरा पड़ा है, आगे भी मरा पड़ा है। एक सेकंड, ये ट्रक के अंदर बूस्ट का ऑप्शन है, लगता है मुझे इसे दबा कर घर पे जल्दी पहुंच जाना चाहिए। तो चलो मैं फटाफट से बूस्ट का दबा देता हूँ। अरे बाप रे, कितनी तेज जा रहे है ट्रक, थोड़ा आराम से चलाना चाहिए मुझे इस टाइम पर। चलो गाइज आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ से मुझे निकलना है यार कैसे भी करके। और यहाँ पर भाई साहब ये रेड लाइट इतनी ज्यादा, मतलब ये भी खराब हो चुकी है, ज़ॉम्बीज ने इसके वायर्स खा लिए हैं गाइज। और ये देखो बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट से अपने घर के लिए मुझे निकलना है गाइज। और मैंने जितना भी उड़ा रहा हूँ ना गाइज, कुछ भी असर नहीं हो रहा है गाइज। कल तक यहाँ पर बिल्कुल ज़ॉम्बीज नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज हैं गाइज। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। तो गाइज मैं ना यहाँ पर डॉक्टर था, तो डॉक्टर से पट्टी वट्टी करवा कर ना गाइज मैंने अपना खून वून सब साफ करवा दिया है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसलिए गाइज मैं ना ये अपनी जो ट्रक को ना यहीं पर पार्क कर देता हूँ, और इसे ना ये लोग कैसे भी करके ना ये खुद यहाँ पर रख लेंगे। और गाइज मैं अंदर चलता हूँ फटाफट से। और गाइज मैंने अपनी पट्टी वट्टी तो करवा ली है, सब कुछ एकदम सही दिख रहा हूँ मैं, बस मुझे अपनी चाल पर थोड़ा ध्यान देने का काम करता हूँ मैं, थोड़ा सही चलने की कोशिश करता हूँ गाइज, क्योंकि यार थोड़ा यार दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं बोल दूंगा कि ज़ॉम्बी आए थे ना तो मेरे नस पे नस चढ़ गई। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। और मेरा चेहरा एकदम साफ लग रहा है ना, आप लोग देख ही सकते हो, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे ज़ॉम्बी ने काटा है। चलो गाइस अंदर की तरफ चलते हैं, और भाई देखते हैं ये सब क्या हो रहा है। भाई ट्रक यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सेकंड अंदर चलते हैं। भाई गेट क्यों बंद कर दिया, एक सेकंड में यहाँ से आ जाता हूँ। और सर आ गया, खाना वाना हो गया, हाँ सारा इंतजाम हो गया है, वहाँ ट्रक रखा हो उसे अंदर करवा देना। अरे सर क्या हो गया आपके पास को, अरे अरे कुछ भी नहीं हुआ भाई, तू जितना बोलो उतना काम कर। ठीक है सर, ठीक है उतना ही करते हैं। अरे यार भैया आ गए आप, हाँ भाई आ चुका हूँ मैं। अरे यार क्या हो गया आपके पास को, कुछ भी तो नहीं हुआ भाई, यार बोल तो रहा हूँ आ गया मैं। अरे यार ये क्या हो गया आपके पास को, भाई पता नहीं यार मेरे को क्या होता जा रहा है यार। अरे हुआ क्या, पर आपको कहीं ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा, क्यों ज़ॉम्बी ने काट लिया सर आपको। अरे नहीं भाई किसी ने नहीं काटा, वो मेरी नस पे नस चढ़ गई। अरे यार भैया सच बोलो यार, सच बोल रहा हूँ भाई यार, मैं जा रहा हूँ अंदर ठीक है ना सोने के लिए। अरे यार ये कैसी आवाज में बात कर रहे हैं, अबा कहाँ से आ रहा है फ्रैंकलिन। अरे यार चौप भाई, मैं यार तुम लोगों के लिए खाने के लिए लेकर आ रहा हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। और चल चल ठीक है, कोई नहीं करेगा, जा यार तू इतनी मदद करता है हमारी, क्या ही बताया, अब जाके सो जा तू। एक सेकंड गाइस मैं थोड़ा माइकल भाई से मिल लेता हूँ। माइकल भाई, माइकल भाई, अरे ज़ॉम्बी कहाँ से आया। अरे ज़ॉम्बी नहीं हूँ मैं, हूँ फ्रैंकलिन। अरे तेरे आवाज का क्या हो गया फ्रैंकलिन। अरे वो थोड़ा थक गया ना, बहुत बहुत चिल्ला रहा था मैं, ज़ॉम्बी आ गए थे तो डर गया था, तो चिल्ला रहा था मैं बार बार। और ये सिगरेट पीना बंद करो यार। अरे तू काम की बात बोलना। अरे कुछ नहीं मैं सोने जा रहा हूँ ना, तो मेरे को डिस्टर्ब मत करना। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जा तू फ्रैंकलिन सो जा। ठीक है ट्रेवर भाई, चलो गाइस चलते हैं, आराम से सो जाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे यार तुम लोग को कोई गड़बड़ नहीं लगती क्या। हाँ भैया मुझे तो लग रही है गड़बड़। अबे मुझे भी लग रही है, उसकी आवाज देगी कैसी हो गई। हाँ यार एक काम करो, तुम दोनों इधर आ जाओ यार। अबे फिर बैठ आओ क्या। अरे यार तुम तीनों आ जाओ यार, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो भैया बोलो। अरे यार इधर आ जाओ यार, उधर यार सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, मेरे को लगता है यार कहीं फ्रेंडली बे को ज़ॉम्बी ने तो नहीं काट लिया। अरे पर आप कैसे क्यों लगते हैं, पर उनके तो कोई खून वून भी नहीं था। अरे हो सकता है यार वो पास वाले डॉक्टर से चेंज करवा के आए हो, मतलब यार साफ करवा के आए हो खून। हाँ यार भैया हो सकता है यार, सिंचन भाई एकदम सही कह रहे हो। गाइस आप लोग को पता है क्या हुआ फ्रेंकलिन बे के साथ, प्लीज हमें बताओ। अगर वो ज़ॉम्बी में हो, मतलब उन्हें अगर ज़ॉम्बी ने काटा होगा ना, तो हम उनका इलाज करवा देंगे जल्दी से, वरना वो ज़ॉम्बी बन के मर जाएंगे। हाँ यार ये भी सही बात कह रहे हो, मतलब शिंचन भैया। अरे हाँ यार गाइस यार आप लोग हमारी भी हेल्प कर सकते हो, प्लीज यार जल्दी से बताओ। अगर फ्रेंकलिन बे ने आपको मना कर रखा बताने के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करो, हम लोग समझ जाएंगे, और अपना नाम लिखो कमेंट बॉक्स में। हाँ गाइस प्लीज जल्दी से करो। हाँ यार गाइस प्लीज यार एक काम करते, हम लोग माइकल भैया को बताएं क्या। हाँ चलो चलो बता देते हैं। हाँ चलो जल्दी से आ जाओ। अरे यार गाइस यार ये मौसम कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। अरे कहीं अभी तो ज़ॉम्बीज़ नहीं आने वाले। अरे पता नहीं, अरे चलो गाइस यार फटाफट से बात करते हैं, आ जाओ यार फ्रैंकलिन भैया, अरे मेरा मतलब है माइकल भैया। अरे क्या हो गया शिंचन बेटा, इतनी टेंशन में क्यों हो। अरे ट्रेवर भैया सुनो ना यार। अरे क्या हो गया बेटा, बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, अपने कानों से सुन रहा हूँ। अरे यार भैया यार आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या। हाँ बेटा थोड़ा थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, बहुत ज्यादा नशा सा हो रहा है। अरे यार आप दारू पीना बंद करो यार फ्रैंक, मतलब यार माइकल भैया बात सुनो। हाँ बोलो शिंचन बेटा। अरे ये देखो मौसम भी खराब हो चुका है,
मुझे तो यार कुछ डाउट हो रहा है। अरे बेटा किस बारे में? अरे आप मेरे साथ इस साइड आओ यार, आप सारे के सारे जल्दी से आओ। हाँ बेटा अभी आते हैं। हाँ बोलो शिंचन बेटा। अरे यार भैया मुझे ऐसे लग रहा है फ्रैंकलिन बेकन ने ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो शिंचन बेटा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो माइकल भाई? अरे हाँ ट्रेवर भाई मुझे भी ऐसे लग रहा है, उसकी आवाज थोड़ी बदली बदली से लग रही थी और वो चल भी कुछ ऐसे ही रहा था। हाँ और मौसम भी देखो यार, ये मौसम तभी होता है ऐसे जब यार ज़ॉम्बी कोई होता है आसपास। हाँ बेटा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, कहीं ज़ॉम्बीज का अटैक तो नहीं होने वाला। अरे कहीं फ्रैंकलिन भैया ज़ॉम्बी तो नहीं बनने वाले? अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है। अरे हाँ ये तो एकदम सही बात कह रहे हो माइकल भाई, अगर ऐसी बात है तो बहुत मुसीबत वाली बात है। हाँ तभी तो हम लोग आपके पास आए हैं, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। अरे बेटा चिंता मत करो, बताओ कैसी हेल्प चाहिए। अरे यार भैया यार हमें कैसे भी करके उनसे पूछना है यार, उन्हें ज़ॉम्बी ने काटा या फिर नहीं काटा। हाँ बेटा ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका होश में आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, वो शायद से सोने गया अभी। हाँ लेकिन यार जब तक वो उठेंगे क्या पता तब तक देर हो जाएगी। हाँ बेटा ऐसा तो हो सकता है, चलो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो चलो चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। अरे हट जाओ भैया अंकल, जल्दी से हट जाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया सुनो, फ्रैंकलिन भैया। अरे शिंचन भाई सोने दे मुझे। इनकी आवाज को क्या हो गया? अरे यार फ्रैंकलिन जल्दी से उठ जरा। अरे क्या हो गया माइकल भाई, सोने दो बहुत नींद आ रही है। अरे यार माइकल भैया अब क्या करें? अरे मुझे तो लगता है ये सच में ज़ॉम्बी बनने वाला है। हाय ट्रेवर भैया तभी तो मेरे को लग रहा है, प्लीज मेरे भैया को बचा लो। अरे तुम चिंता मत करो शिंचन बेटा, वो मेरा भी भाई है, हम कुछ ना कुछ करते जरूर, कुछ सोचते हैं, फिर हम लोग जब तक ये उठता ही है ना तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है यार हम लोग तब तक तो वेट कर ही लेंगे। गाइस यार आप लोग बताओ यार जल्दी से यार, मतलब यार माइकल भैया हमारी ऑडियंस को सब पता है कि फ्रैंकलिन बे को काटे ज़ॉम्बी ने या फिर नहीं काटा। अरे गाइस अगर आप लोग को पता है तो फटाफट से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ यार गाइस प्लीज फटाफट से करो यार। गाइस आप लोग को अगर नेक्स्ट पार्ट देखना तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखो। हाँ गाइस जल्दी से पार्ट 3 लिखो, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। हाँ यार गाइस प्लीज फटाफट से लिख दो यार पार्ट 3। गाइस मुझे पता है आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फटाफट से कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखो यार। हाँ गाइस जल्दी से लिखो। तो गाइस हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय टाटा टेक केयर।